हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम जो RBI असिस्टेंट का जो प्री एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पहला शिफ्ट है आज, मतलब 14 फरवरी को, उसका जो एनालिसिस है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ में जो गुड अटेम्प्ट्स है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और ये जो एनालिसिस है वो मैंने जो जो अभी पेपर देकर आए हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उनसे पूछा है। तो हम शुरू करते, उसके पहले हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। जो न्यूमेरिक एबिलिटी का सेक्शन था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का, उसमें एक टेबल DI दिया गया था जिसमें एक टेबल था और उसके ऊपर 5 प्रश्न थे, इजी लेवल के थे, 10 मार्क्स का एकदम इजी सिंप्लीफिकेशन आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए थे रेगुलर वाले जैसा कि हमेशा आते हैं, और मिसिंग नंबर सीरीज आई थी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, और 10 मार्क्स के वर्ड प्रॉब्लम्स थे जिसमें कि एक CISI के ऊपर था, एक एवरेज के ऊपर बताया गया, एक एजेस के ऊपर था, बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर एक था, उसके अलावा पार्टनरशिप के ऊपर एक प्रश्न था, प्रॉफिट लॉस के ऊपर था, और एक परसेंटेज के ऊपर भी था, और एक शायद मेंसुरेशन के ऊपर था। तो मैथ्स का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ तो नहीं था। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो इसमें 3 पजल पूछे गए थे, एक था बॉक्स पजल जिसमें 8 या 9 बॉक्सेस थे उनको अरेंज करना था बिना वेरिएबल वाला, एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था 8 पर्सन इनसाइड फेसिंग, और एक डे और मंथ बेस्ड पजल था। और उसके अलावा डायरेक्शन के ऊपर 3 प्रश्न थे, एक पजल जैसा दिया हुआ था डायरेक्शन का, उसके ऊपर वो आपको बनाना था, और 3 प्रश्न थे, 5 मार्क्स की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, इनइक्वालिटी डायरेक्ट इनइक्वालिटी थी, और सिलॉजिज्म जो थे वो ओनली अ फ्यू वाले थे 5 मार्क्स के, और जो अल्फाबेट के ऊपर प्रश्न थे वो 2 थे, एक में पेयरिंग ढूंढना था और एक में आपको अल्फाबेट वाइज अरेंज करना था वर्ड। और अगर इंग्लिश की बात करें तो 5 मार्क्स का एरर डिटेक्शन था, कौन से पार्ट में एरर है वो आपको ढूंढना था, स्पेलिंग मिस्टेक 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स के सिंगल पिलर्स थे, RC थे 10 मार्क्स के, उनमें 2-3 सिनोनिम एंटोनिम भी थे, और 5 मार्क्स का पैरा जंबल था। अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट्स की तो न्यूमेरिक एबिलिटी में बहुत से बच्चों ने 34, 35 भी किए हैं, 30 के प्लस तो बहुत से बच्चों ने किए हैं, पर 28 से 32 गुड अटेम्प्ट से, और रीजनिंग में 30 से 34 तो होने ही चाहिए, 30 प्लस तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, इंग्लिश में 23 से 27, और टोटल 80 से 92 के बीच में अगर आपने किए हैं, और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है तो फिर आपकी प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगी। वैसे जो रिजर्व कैटेगरी के है वो, या फिर जिस स्टेट्स में अच्छी वैकेंसीज है उसमें कट ऑफ 70 के आसपास भी जा सकता है, पर जिस स्टेट्स में कम वैकेंसीज है उसके हिसाब से मैंने ये गुड अटेम्प्ट्स लिखे हुए हैं। अगर आपके स्टेट में कम वैकेंसीज़ है तो फिर आपको ज़्यादा ही अटेम्प्ट और सही करने पड़ेंगे, और
आज का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको मतलब ज़रा से भी उम्मीद है कि आपकी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगी आरबीआई असिस्टेंट्स की, तो फिर आप डायरेक्ट सीधा मेंस के लिए प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। अगर अगर आपके अटेम्प्ट्स कम हुए, आपने उम्मीद छोड़ दी है, तो फिर आप एसबीआई क्लर्क के ऊपर फोकस कर दीजिए। तो ये जो एग्ज़ाम एनालिसिस है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो पसंद तो आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक भी कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय।